नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। मंगलवार को बिहार विधानसभा में पुलिस बिल के खिलाफ हंगामा कर रहे विपक्ष के विधायकों पर पुलिस ने बेरहमी से पिटाई की, लाठी डंडे बरसाए, घसीट घसीट कर खींच खींच कर सदन से बाहर फेंका। कई माननीय विधायकों को गंभीर चोटें आई। विपक्ष के विधायक लगातार डटे हुए हैं कि दोषी पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। यहां तक कि महिला विधायकों को भी घसीट घसीट कर सदन से बाहर फेंका गया, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इसको लेकर जिम्मेवार ठहराया था। तेजस्वी यादव ने कहा था कि दोषी पुलिस अधिकारियों पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक वो सदन के अंदर नहीं जाएंगे। देश भर में सरकार की फजीहत हो रही है, लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है हम आपको दे दें। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा ने इसको लेकर अब संज्ञान लिया है। विधानसभा अध्यक्ष एक्शन में है। उन्होंने कहा है कि कार्रवाई होगी, विधायकों की पिटाई करने वाले पुलिस अधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। बिहार विधानसभा में विपक्ष के विधायकों को पीटने वाले पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मी बक्से नहीं जाएंगे। जिन पुलिस अधिकारियों ने भी विपक्ष के विधायकों पर लाठी डंडे चलाए, मुक्के बरसाए, जिन्होंने घसीट घसीट कर बाहर फेंका, वो बक्से नहीं जाएंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर है हम आपको दे रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने भी अब ऐलान कर दिया है कि दोषी पुलिसकर्मी बक्से नहीं जाएंगे। देश भर में लगातार इस पुलिसिया कार्रवाई की फजीहत हो रही है, सरकार की फजीहत हो रही है। जिस तरीके से सदन के अंदर से बेरहमी से पीट पीट कर विपक्ष के विधायकों को फेंका गया बाहर निकालकर, जिस तरीके से घसीट घसीट कर महिला विधायकों को निकाला गया, कहीं ना कहीं सरकार भी सवालों से घिरी थी, विधानसभा अध्यक्ष भी सवालों से घिरे थे। लेकिन इसके बाद आज ही शाम को हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी, जब बिहार पुलिस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी गई कि पूरी कार्यवाही जो है वो विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश पर हुई, जिसके बाद अब विधानसभा अध्यक्ष ने बिहार के डीजीपी से बातचीत की है और कहा है कि दोषी पुलिस अधिकारी बक्से नहीं जाने चाहिए। जिन्होंने भी विधायकों पर डंडे बरसाए हैं, लाठियां बरसाई है, जिन्होंने भी मुक्के बरसाए हैं, जिन्होंने भी घसीट घसीट कर बाहर फेंका है, जिन्होंने भी पिटाई की है, उन पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने कार्यवाही के आदेश दिए हैं, साथ ही कहा है कि वीडियो फुटेज के आधार पर देखिए, जो वीडियो फुटेज है वो वीडियो फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं एक बार फिर से, किस तरीके से सदन के अंदर विधायकों की पिटाई हुई, किस तरीके से मुक्के बरसाए गए उसकी तस्वीरें, किस तरीके से विधायकों को घसीट कर फेंक दिया गया सदन से बाहर, किस तरीके से महिला विधायकों को घसीटा गया, साड़ी खुल गए थे उनके, किस तरीके की तस्वीरें, वो तस्वीरें एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इन तस्वीरों के बाद जिस तरीके से पूरे देश भर में सरकार की फजीहत हुई, विधानसभा अध्यक्ष की फजीहत हुई, उसके बाद सफाई देने बिहार के डीजीपी आए, अपर मुख्य सचिव आए, लेकिन अब जो खबर है विधानसभा अध्यक्ष ने एक्शन लिया है, कहा है कि सदन के अंदर विधायकों की पिटाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा है कि विधि व्यवस्था को नियंत्रण रखने के लिए पुलिस को बुलाया गया था, ना कि पिटाई करने के लिए, और जिन पुलिस अधिकारियों ने भी पिटाई की है वो बक्से नहीं जाएंगे। साफ तौर पे तेजस्वी यादव के आगे झुक गई है बिहार की नीतीश सरकार। तेजस्वी यादव ने कड़े तेवर में कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसको लेकर माफी मांगे और दोषी पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई करें, अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो वो सदन के अंदर नहीं जाएंगे। लेकिन इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुलिस अधिकारियों को क्लीन चिट दे दी थी। लेकिन अब जो खबर है, विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि दोषी पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, वीडियो फुटेज के आधार पर कार्रवाई होगी। अब फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही आपको छोड़े जाते हैं विधानसभा में विधायकों की पिटाई वाली वीडियो फुटेज के साथ। Yeah, yeah, yeah.
कैसे, ये विधायक है, ये माननीय है, इनको लाखों लोगों ने वोट दिया है और उसके बाद उन्हें यहाँ भेजा गया है। जनता के सवाल उठाएंगे लेकिन आज कुछ ऐसी जनता नहीं है इस तरह से क्या हुआ अनिता जी? अनिता जी क्या हुआ बताइए? महिला के साथ क्या भाग दिया लोगों, 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 भाग द